प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। प्रतिनिधि श्रीमान प्रताप जैना जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास मंत्रीगण और इस अभियान से जुड़े लाखों लाख भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस मौके पर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। आप सबके ध्यान में है कि हमारा देश और दुनिया कोरोना वायरस संकट के दौर में काफी असुविधा का सामना कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जब लॉकडाउन घोषित हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री जी के मन में गांव, गरीब, किसान और मजदूर ये प्राथमिकता पर रहे और उस समय 1,70,000 करोड़ का पैकेज देकर निश्चित रूप से जो समस्याएं उस समय उत्पन्न हो सकती थी मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से, वो न हो इसमें निश्चित रूप से उस पैकेज के कारण पूरे देश भर में बहुत सुविधा हुई। और इसी प्रकार से जब 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया उस समय भी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा कि एक तरफ आर्थिक व्यवस्था को बल देना यह मुख्य उद्देश्य पैकेज का था ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, रोजगार के अवसरों का सृजन का क्षेत्र हो, इन सबको समाहित करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उसका क्रियान्वयन राज्यों के साथ मिलकर प्रारंभ हो रहा है, उसके भी परिणाम निश्चित रूप से परिलक्षित आने वाले कल में होंगे ही। कोरोना वायरस के संकट के दौर में हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व हम सब लोगों के साथ रहा और प्रधानमंत्री जी ने जो योग्य रणनीति बनाई राज्यों के साथ उसका मिलकर क्रियान्वयन किया गया, उसके कारण निश्चित रूप से इस असुविधा को सुविधा में बदलने में भारतवर्ष काफी सफल रहा है। हम सबको मालूम है कि इसी वायरस के संकट के दौरान अनेक स्थानों पर जो हमारे मजदूर भाई और बहन अपने घर से दूरस्थ इलाकों में अपनी आय वृद्धि को लेकर काम करने के लिए जाते थे, वायरस संकट के दौरान वो सारे के सारे लोग अपने घरों पर लौटे हैं, तो निश्चित रूप से उनको वहां भी रोजगार की आवश्यकता होगी और इस रोजगार की आवश्यकता को पूर्त करने के लिए सरकार के भी अपने दायित्व हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है मैं निश्चित रूप से उसकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर इस योजना को न सिर्फ योजित किया वरना तत्काल उसका शुभारंभ करने के लिए भी हम सबके साथ आज वो उपस्थित हैं। यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में संपन्न होगा। यह केंद्र सरकार की विभिन्न जो योजनाएं 11 मंत्रालयों की है उनके तालमेल से इसका निश्चित रूप से नीचे तक क्रियान्वयन होगा। यह अभियान 125 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्य प्रमुख रूप से चिन्हित किए गए हैं, जो 25 कार्य नीचे तक क्रियान्वित किए जाएंगे, अमल किया जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर बहुत तेजी के साथ सृजित होंगे और 125 दिनों तक एक अभियान बनाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निश्चित रूप से ये बड़ा उपक्रम है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस गरीब कल्याण योजना के शुभारंभ के लिए हम सबके मध्य मौजूद हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद।
मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के यहां इस कार्यक्रम में संबद्ध माननीय मुख्यमंत्रीगण, उड़ीसा और झारखंड के अन्य मंत्रीगण, अधिकारीगण, हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार जी, खगड़िया के माननीय सांसद जनाब महबूब अली कैसर साहब, खगड़िया जिले के बेलदौर के माननीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। जो कोरोना वायरस का असर हुआ कोविड-19 का, और उसके लिए अपने देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को घोषित किया लॉकडाउन का, और वो 25 मार्च से लेकर के लगातार चार खंडों में लगभग 31 मई तक रहा है, और उस बीच में कई राज्यों के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, वैसे लोगों को काफी कष्ट हुआ, और खास करके हमने तो इन सब चीजों की चर्चा पूर्व में कर दी है, हमारे बिहार के लोगों को जो दूसरे राज्यों में काम करते रहे हैं उनको काफी कष्ट हुआ, उनके लिए हम लोगों ने तो संपर्क उनका रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से भी उनको हम लोगों ने मदद किया प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का, करीब करीब 21 लाख लोगों का। और जब बाद में गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान किया 29 अप्रैल को, और व्यवस्था किया ट्रेन का, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रेलगाड़ियों से अपने राज्यों में जाने का अवसर मिला। हम लोगों के यहाँ तो बड़ी संख्या में ट्रेन से 15,000 से भी ज़्यादा ट्रेन में लोग आए, और 15 लाख से भी ज़्यादा लोग ट्रेन से आए, और बाकी बहुत सारे लोग तो 20 लाख से ज़्यादा, और बाकी लोग तो कुछ आ गए अन्य मार्ग से, सड़क मार्ग से भी, और कई लोगों की तो आदत अलग अलग होती है, तो बहुत लोग तो पैदल और कैसे कैसे भी, जब इस पर पाबंदी थी तब भी चलकर आते रहे, वो तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जब ये निर्णय लिया गया तो हम लोगों ने भी वैसे लोगों के लिए बहुत ही प्रावधान किया, अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर, होम क्वारंटाइन जो भी रहे, सब तरह का हम लोगों ने प्रावधान किया लोगों को, और हमने तो खुद भी क्वारंटाइन सेंटर पर बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, हर जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर पर हमने बातचीत की, और जो लोग थे उनसे भी हमने चर्चा की, लोगों को इंतजाम से प्रसन्नता थी। लेकिन जब हम पूछते थे कि भाई आगे क्या विचार है, आप कहाँ गए थे, क्या करते थे, तो लोगों के मन चलिए यहाँ रुक रहे हैं।